क्या नाम है तेरा? शादाब। तू तो गैंगस्टर वन से चल रहा तू हमारे यहाँ से? तू है कहाँ का रहने वाला है? मजीद नगर में। आपने पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की घटनाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन पुलिस की मुठभेड़ चूहे के साथ हो, लेकिन पुलिस की मुठभेड़ चूहे के साथ हुई ये शायद ही आपने सुना होगा। जी हाँ, मेरठ में पुलिस की जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस की गोली लगने से चूहा घायल हो गया, या यूं कहें पुलिस की गोली से चूहा लंगड़ा हो गया। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा और दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाला शादाब उर्फ चूहा पुलिस की लिस्ट में लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस शातिर वांछित चूहा की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच थाना क्षेत्र में देर रात चार खम्बा तिराहे के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगे और पुलिस पर बाइक सवारों के द्वारा फायरिंग कर दी गई। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक बाइक सवार बदमाश को गोली लगी और दूसरा साथी मौके से फरार हो गया, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में घायल होने के बाद शादाब उर्फ चूहा को धर दबोचा। देख कल देर रात्रि थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में समर गार्डन चौकी के पास चार खम्बा चौराहा है, यहाँ पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। कल जब चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति एक बाइक पर सवार थे आते हुए दिखाई दिए। उन्हें जब पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसका नाम शादाब उर्फ चूहा है। इसके ऊपर 14 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये एक शातिर केस करा दिए। ये थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ये गैंगस्टर में वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जो दूसरा व्यक्ति वो अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा था, इसकी जो पहचान है वो समीर के रूप में हुई है और इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। इनके पास से एक बाइक, एक तमंचा, एक कारतूस बरामद हुआ है और इसमें अब अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए शातिर बदमाश चूहा के पास से अवैध असलहा मोटरसाइकिल बरामद किया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए शादाब उर्फ चूहा पर 14 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शादाब उर्फ चूहा की तलाश में पुलिस लंबे समय से लगी हुई थी और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। खैर, मुठभेड़ में घायल बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं दूसरी ओर कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने साथी बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के एसटी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।